नमस्ते, खेड़कर होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजमा मसाला बनाना। इसके लिए हमने एक कटोरी राजमा लिया था जिसे रात में ही भिगो दिया था, और अभी हमने इसमें आधा चम्मच नमक डालकर 4 से 5 कुकर की सीटी में पका लिया है। ये देखिए, हमारा राजमा अच्छे से पक चुका है। इसके अलावा हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज, 8 से 10 लहसुन, आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। साथ ही 4 से 5 टमाटर की प्यूरी बना ली है। इसके अलावा हमें राजमा मसाला बनाने के लिए लगेगा 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार। यह हमें ध्यान रखना है कि राजमा पकाते समय हमने इसमें से आधा चम्मच नमक यूज़ कर लिया था, इसलिए अभी हमें नमक कम डालना है। इसके अलावा हमें लगेगा 1 चम्मच राजमा मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच राई। इसके अलावा हमने खड़े मसालों में लिया है 1 तेज़पान, 5 काली मिर्च, 4 लौंग, 2 इलायची के टुकड़े, 3 हरी इलायची और 1 बड़ी काली इलायची। चलिए अब हम आपको राजमा मसाला बनाना बताते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे। जैसे ही हमारा पैन गरम हो जाएगा, हम इसमें तेल डालेंगे। तेल के गरम होने पर हम इसमें राई डालेंगे। इसके बाद हम इसमें सारे गरम खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब हमें प्याज को मध्यम आंच पर अच्छे से पकने देना है। ये देखिए, हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर की प्यूरी डालकर भी हमें इसे अच्छे से पकने देना है। हमारा मसाला मध्य आंच पर जितना अच्छा पकेगा उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते जाना है और मध्य आंच पर ही पकने देना है। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें सारे बचे हुए मसाले डालेंगे। इसमें हमने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और राजमा मसाला, इन सबको डालकर हमें अच्छे से पकाना है।
गैस हमें मध्य ही रखनी है ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए और जले भी नहीं। इसे हमें लगातार हिलाते जाना है जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से पक नहीं जाता। सारे मसाले डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले चिपके नहीं और मसाला भी अच्छे से पक जाए। अब हमें इसे मध्यम आंच पर पकाना है। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें हमारे राजमा डालेंगे। राजमा डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारा राजमा मसाला तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा राजमा मसाला तैयार है और हमने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप हमारे बताए तरीके से राजमा मसाला बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिए तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।